नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। वैष्णो देवी के लिए 7 किलोमीटर का नया रास्ता तैयार, 2 घंटे की जगह लगेंगे 40 मिनट। कटरा, जम्मू से कटरा का रास्ता पहले 2 घंटे का होता था, 3 टनल की बदौलत अब यह बमुश्किल 40 मिनट का रह गया है। अभी लोग कम आ रहे हैं, पर महज 1.5 महीने बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा, इसलिए वैष्णो देवी तक जाने वाले नए रास्ते पर काम जोर शोर से चल रहा है। 7 किलोमीटर लंबा ये रास्ता बालिनी ब्रिज से आंध्रा कुमारी को जोड़ेगा। चेकिंग पॉइंट और शेड का काम होते ही इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि पालकी और घोड़े वाले इस नए रूट का विरोध कर रहे हैं। कितना छोटा होगा नया रास्ता, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अजित कुमार साहू ने बताया कि श्रद्धालुओं में 80% पैदल यात्रा करते हैं, बाकी 6% हेलीकॉप्टर से और 14% घोड़े पालकी से। नया रास्ता सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए होगा, यहां घोड़े पालकी बैन रहेंगे। पुराने रास्ते की तुलना में नया रास्ता सिर्फ 500 मीटर छोटा होगा, लेकिन सुविधाएं कई है। रूट इतना चौड़ा होगा कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी आसानी से आ सकेगी। सबसे खास बात यह है कि रूट शुरू होने के बाद यात्री अनगंगा से आंध्रकुवारी और हाथीमत्था की खड़ी और कठिन चढ़ाई से बच जाएंगे। इतना ही नहीं, जमीन पर एंटी स्किड टाइल्स भी लगाई जा रही, साथ ही स्लोप स्टेलाइजेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि चढ़ाई सरल रहे। अगले साल कटरा से भवन तक सामान ले जाने वाला रोप वे और भवन से भैरव घाटी तक पैसेंजर ले जाने वाला रोप वे भी शुरू हो जाएगा। अभी घोड़े से सामान भेजा जाता है। रोप वे बनने के बाद हर घंटे भवन से 800 लोगों को भैरव घाटी पहुंचाया जा सकेगा। IIT मुंबई ने डिजाइन की आरामदायक पालकी। IIT मुंबई ने ऐसी पालकी डिजाइन की है जिसमें बैठने वाले और उसे उठाने वाले को ज्यादा आराम मिले। पालकी वाले के जूते भी नए बने हैं। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।